मोदी सरकार का एक और देश विरोधी फैसला, देश की सुरक्षा व्यवस्था में सरकार ने लगाई सेंध। अग्निवीर योजना के बाद एक बार फिर युवा बेहाल, 3000 से अधिक सीआईएसएफ पदों को सरकार ने किया समाप्त। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जब से केंद्र में बीजेपी सत्ता में आई है, लगातार एक के बाद एक कई जन विरोधी फैसले लेने में मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई है। कभी किसान विरोधी कृषि कानून तो कभी देश के नौजवान विरोधी सेना की अग्निवीर योजना। मोदी सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिससे देश की आम और गरीब जनता को नुकसान न हुआ हो? इनमें से कुछ कानून तो सरकार ने आम जन के भारी विरोध के बाद वापस ले लिए, तो कुछ पर सरकार अड़ग रही। अब एक ऐसा ही फैसला मोदी सरकार ने लिया है जिससे युवाओं के लिए नौकरी के अवसर तो खत्म होंगे ही, साथ ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, मोदी सरकार ने हवाई अड्डों से सीआईएसएफ के 3049 पद खत्म कर दिए हैं। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। केंद्र सरकार ने भारतीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए 3000 से अधिक सीआईएसएफ पदों को खत्म कर दिया है। अब उनकी जगह हवाई अड्डों पर निजी सुरक्षा गार्ड ड्यूटी करेंगे। नगर विमानन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से तैयार 2018-19 कार्य योजना को अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। विमानन सुरक्षा के नियामक संगठन BCAS की योजना के मुताबिक CISF के कुल 3049 विमानन सुरक्षा पदों को खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह पर 1924 निजी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही CCTV कैमरे और सामान के स्कैनर जैसी स्मार्ट निगरानी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पद्म कद करने के पीछे सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से हवाई अड्डों के संचालकों का विमानन सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी कुछ कम होगा। एक विश्लेषण में पाया गया है कि कई गैर संवेदनशील कामों के लिए सशस्त्र CISF जवानों की जरूरत नहीं है और ऐसे काम निजी सुरक्षा कर्मी भी कर सकते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में CCTV कैमरे लगाकर निगरानी की जा सकती है। सोचिए, इस देश को सरकार कैसे बर्बाद कर रही है। पहले तो सरकार हवाई अड्डों को ही बेच रही है और अपने अड़ानी जैसे यारों को इन हवाई अड्डों के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। इस फैसले के पीछे सरकार की रणनीति को समझने के लिए पहले आप एक कहावत सुनिए जो हमारे यहाँ खास करके चंबल क्षेत्र में कही जाती है कि जिसने चेंच दी है, अर्थात भगवान ने हमें खाना खाने के लिए मुंह दिया है तो चुंग भी, यानी कि भोजन भी देगा। अब आप सोचिए कि जिन यारों को सरकार एयरपोर्ट दे रही है, अब इन एयरपोर्ट के संचालन में यारों को घाटा नहीं होना चाहिए, अच्छी मोटी कमाई होना चाहिए। इन एयरपोर्ट के संचालन में कम लागत करवाना भी तो सरकार का फर्ज बनता है, तो क्या आम जनता और देश की सुरक्षा से क्या लेना देना? सीधा CISF के जवानों को एयरपोर्ट से हटा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है सरकार द्वारा यह फैसला लेने में। चलो, जो हुआ सो हुआ। अगर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी सुरक्षा में लगाए गए NSG कमांडो सहित तमाम फोर्स को भी हटा दें तो अच्छा होगा। सरकार पर इन जवानों का कोई खर्च नहीं होगा। वैसे भी हमारे मोदी जी किसी से डरते थोड़ी हैं, उनका तो खुद का 56 इंची का सीना है। दुश्मनों की क्या मजाल जो उनकी तरफ आंख उठाकर भी देख जाए। कम से कम देश का कुछ व्यय तो बचेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या सोच है, क्या राय है, आप इस पर क्या समझते हैं, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।